दो शक्तियां हैं। राहुल ने संसद में नीट मामले पर सरकार को घेरा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इस पर सांसद चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बीच आज दोनों सदनों में नीट मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो गई है। नीट मामले पर विपक्ष की चर्चा की मांग के चलते कार्यवाही स्थगित हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मामला उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले की जाए। राहुल ने कहा कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नीट यूजी और यूजीसी नीट सहित परीक्षाओं की पेपर लीक मामलों और एनटीए की विफलता पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। आप सांसदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में सरकार की ओर से हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर प्रस्ताव रखेंगे। वहीं दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखेंगी। दूसरी ओर राज्यसभा में यूपी से भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष नीट परीक्षा मामला में हुआ गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। इससे पहले ममता बनर्जी पीएम मोदी को परीक्षा रद्द करने को लेकर एक पत्र भी लिख चुकी है।